तो मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे अपना फेवरेट साधु ही। तो वही मैं बात करूँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे बात करूँ तो उससे पहले मैं आपको देता हूँ, ये वीडियो लंबी होने वाली है, अगर आप इसे स्किप करके जाना चाहते हो तो जा सकते हो दूसरी वीडियो पे। तो वही मैं बात करूँ, तो इस वीडियो में अगर आपने देख लिया तो ये वीडियो बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत कमाल के फीचर्स बताने वाला हूँ जो इंस्टाग्राम में आपको 2020 में देखने को मिले। और ये मैं आपको बोलता हूँ, इससे आपके जो फॉलोवर्स है वो भी इंक्रीज होंगे, लाइक भी इंक्रीज होंगे, कमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा अगर ये फीचर्स आप इस्तेमाल करते हो। तो अगर आप फॉलोवर्स भी बढ़ाने की सोच रहे हो, कमेंट्स भी, लाइक्स भी, और बहुत कुछ करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इंस्टाग्राम बहुत सारा ट्रेंड है और बहुत सारे लोग फेमस भी होना चाहते हैं इंस्टाग्राम में। तो वही मैं बताऊँ, तो आप यहाँ पे साइड पे देख रहे होंगे, इनके बारे में हम बात करें, मतलब 23 में आपको ऐसे फीचर्स बताने वाला हूँ जो इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत कमाल के फीचर्स ये होने वाले। तो इसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, वीडियो टिल एंड तक देखना है, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। जो पहला फीचर आता है और बहुत कमाल का फीचर आता है, अगर बात करो तो आप टिकटॉक इस्तेमाल करते थे, तो टिकटॉक को ही ये रिप्लेस करने के लिए आया था। तो वही मैं बात करूँ, इंस्टाग्राम रील अगर बात करो तो ये बहुत कमाल का फीचर देखने को मिलता है, मतलब इसमें आप शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो। जैसे आपको शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने का शौक है, मतलब आप शॉर्ट में ही सब कुछ कुछ भी नॉलेज देना चाहते हो, बहुत कुछ शॉर्ट में ही अगर करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम शॉर्ट बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। मतलब इजीली आप शॉर्ट में जो भी समझाना चाहते हो वो शॉर्ट में समझा सकते हो, चाहे आपको फनी वीडियो बनाना है, मतलब जो भी आपको करना है, जैसे टिकटॉक पे कर सकते हो, यहाँ पे भी पागलपंती वैसे कर सकते हो। लेकिन रील पे अगर आप वीडियो बनाओगे तो जिस पे अच्छे खासे व्यू भी आपको देखने मिलेंगे वीडियोस पे जो भी आप बना रहे हो, और हो सके तो जितना हो सके नॉलेज की वीडियो देना चाहिए, क्योंकि फेल फोटो की वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम रील इस्तेमाल करना चाहते हो तो इससे बहुत अच्छे फॉलोवर्स भी आपके बढ़ जाएंगे, अगर लोग आपकी जो पसंद करेंगे, वही मैं मतलब आपकी वीडियो कैसे बनाते हो आप, तो उससे आपको फॉलो भी करेंगे, नॉर्मल सी बात है, आपकी जो वीडियो वो भी लाइक करेंगे। तो वही मैं मतलब इंस्टाग्राम रील बहुत अच्छा खासा फीचर देखने को मिलता है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए आप। दूसरे फीचर की बात करूँ तो जो बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है, अगर बात करूँ तो जो सीक्रेटली बात करना चाहते हैं, मतलब किसी को पता नहीं चले, और वही मैं बताऊँ, मैं सीक्रेटली बात करूँ, वो आपको ये नया जो फीचर देखने को मिलता है वो वैनिश मोड देखने को मिलता है। मतलब इसे आप एक सीक्रेटली बात कर सकते हो, जो भी कन्वर्सेशन आप चैट करोगे वो सिंपल से आप वैनिश मोड में कर पाओगे, मतलब एक जैसे टेलीग्राम में आपको डिसअपीयर का मैसेज देखने को मिलता है, तो वैसे ही देखने को मिलता है। और मैं टेलीग्राम पे भी उपलब्ध हूँ, आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो वही में मतलब ऐसा ही आपको देखने को मिलता है, मतलब एक आप सीक्रेटली बात कर सकते हो, जो भी मैसेज देगा उसके बाद वैनिश हो जाएगा, कोई भी मैसेज आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये अच्छा है, जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, वही में बात करूँ, जैसे बात करना चाहते हो सीक्रेटली, मतलब कुछ भी अपने फ्रेंड से भी बात करना चाहते हो, तो वही में बात करूँ, बहुत ईजिली इसके जरिए आप कर सकते हो वैनिश मोड के लिए। और ये आप समझ सकते हो बहुत अच्छा फीचर आपको देखने मिलता है। तो अभी तक आपने वैनिश मोड ट्राई नहीं किया तो एक बार इसे ट्राई करके देखिए, और अगर आप सीक्रेटली बात करने के शौकीन हो तो बिल्कुल इस वैनिश मोड के जरिए आप कर सकते हो। तो अगले थर्ड फीचर की बात करूँ तो जो बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है, मतलब जो अलग अलग फोन्स जाते हैं, तो मतलब इसमें आपको न्यू फोन्स देखने, मतलब नो ऐसे न्यू फोन्स इसमें जोड़े गए। तो वही मतलब न्यू फोन्स में आप अगर कूल फोन्स भी है जो बहुत कूल भी आपको देखने को मिलते हैं इसमें, तो नो फोन्स में आप बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल करना भी बहुत इजी, क्योंकि जब आप स्टोरी लगाओगे वहाँ पे फोन्स आपको देखने मिलते हैं, तो वहाँ पे ऐड कर दिए फोन्स, तो बहुत कमाल के फोन्स है। अगर आप फोन्स के शौकीन हो और अलग अलग फोन्स ढूंढे तो 9 फोन्स ऐसे जोड़े गए जो आप इस्तेमाल कर सकते हो स्टोरी के टाइम। फोर्थ फीचर की बात करूँ तो जो अच्छा खासा जोड़ा गया, मतलब आप समझ सकते हो अच्छा भी बोल सकते हो, और ऐसे जो इनको पसंद नहीं वो भी आप समझ सकते हो। तो वही मैं बात करूँ तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को दोनों को आप समझ सकते हो मर्ज कर दिया है, मतलब जो आप फेसबुक मैसेंजर इस्तेमाल करते हो और इंस्टाग्राम मैसेंजर इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पे और जो फेसबुक का मैसेंजर है उन दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो वही मैं बात करूँ तो इससे आप बहुत अच्छी तरह से अगर डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हो, इमोजीज जो भी रिलेट करना चाहते हो, मतलब जो फेसबुक मैसेज पे करते हो, तो वहीं पे इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हो। तो ये आपको बोलूँ मैं ज़रूरी भी नहीं है, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, और अगर आपको नहीं रखना है तो आप इजीली नहीं रख सकते हो। जो भी इंस्टाग्राम पर मैसेज जैसे नॉर्मल है वैसे ही काम करेगा, अगर आपको मर्ज करना है दोनों को वो भी आप कर सकते हो, और अगर आपको इस्तेमाल करना है मर्ज करके दोनों जगह का रिप्ले देना है तो बहुत ईजिली इसके ज़रिए आप दे सकते हो। तो फिफ्थ जो ऑप्शन की बात करूँ तो वो है इंस्टाग्राम लेआउट, मतलब आपको अगर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती थी लेआउट के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वही मैं बताऊँ इंस्टाग्राम में ये फीचर सिंपल से दे दिया। जब भी आप स्टोरी ऐड करोगे तो वहाँ पे आप 6 फोटोज या 4 फोटोज़ इजीली आप लगा सकते हो, मतलब आपको एक बार में ही लेआउट में सेट करना है, वही मैं बात करूँ बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो ये एक समझ सकते हो बहुत यूज़फुल फीचर आप बोल सकते हो जो आपको देखने को मिलता है इंस्टाग्राम में। तो जब भी आपको लेआउट की दिक्कत रहती थी वही मतलब अगर एप्लीकेशन से आपको करने की पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अभी 6 फोटोज़ वही मैं बात करूँ बहुत इजीली इसके
जरिए आप कर पाओगे। तो नेक्स्ट जो फीचर की बात करूँ दोस्तों, सिक्स्थ अगर बात करूँ तो ये भी बहुत कमाल का फीचर आपको देखने मिलता है। मतलब इंस्टाग्राम पे आप वीडियो कॉलिंग करते हो, मतलब आप समझ सकते हो ब्राउज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे अपने फ्रेंड के साथ। तो वहीं पर बात करूँ तो अगर मान लीजिए आप कोई भी फ्रेंड को आप वीडियो कॉलिंग करते हो, मान लीजिए कि आपने कॉल किया हो वहीं पर वीडियो कॉल पर, और आपके फ्रेंड के साथ आपको ब्राउज पे करना वो भी आप कर सकते हो। मतलब जो भी आप वीडियो देखोगे वहीं पर आपको ब्राउज का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। जो भी आप वीडियो देखोगे तो वो आपके फ्रेंड पे भी चलेगा, मतलब दोनों तरफ आप वो वीडियो देख पाओगे। तो इसे बोल सकते हो आप ब्राउज कर सकते हो अपने फ्रेंड के, जिससे आप वीडियो कॉल के दौरान बोर भी नहीं हो सकते हो। एक समझ सकते हो अच्छा खासा फीचर देखने मिलता है, क्योंकि आप खड़े रहोगे सीधा वीडियो कॉलिंग बात करके आपको कुछ देखने का मन है, तो ये भी एक अच्छा खासा फीचर आप बोल सकते हो। तो अगर आपने सोच रखा और ब्राउज करने की सोच रखे तो वही बात है, तो एक बार ये फीचर भी आप जरूर ट्राई करके देखना। सेवंथ फीचर की बात करो तो जो अच्छा खासा देखने को मिलता है, आप समझ सकते हो एक अच्छा फीचर या बोल सकते हो अगर आपको इस्तेमाल करना है तो वही बात है स्टोरी मैप्स। मतलब आप जो भी स्टोरीज है वो कैलेंडर में और मैप में देख सकते हो, मतलब जो भी टैग एंड पिन जो भी किया वो आप इजीली देख पाओगे। तो वही मतलब उसके लिए आपको प्रोफाइल में जाना है, हमर मेन्यू में जाना है, तीन डॉट पे आपको टैप करना है। तीन डॉट पे जैसे कि आपको वहाँ चिप्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप जो भी स्टोरीज मैप में देखना चाहते हो, कैलेंडर में देखना चाहते हो, जैसे भी आप देखना चाहते हो वैसे आप देख सकते हो। तो ये भी एक अच्छा खासा फीचर्स अभी इंस्टाग्राम में आया है, तो वही मतलब अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया तो ये भी इस्तेमाल करके आप देख सकते हो। जो एट फीचर मेरे को अच्छा खासा लगा वो है क्रिएट रूम। मतलब बहुत सारे लोग जो रूम क्रिएट करना चाहते हैं, वही मैं बात करूँ तो इंस्टाग्राम में फाइनली ये फीचर आ चुका है। मतलब आप क्रिएट कर सकते हो बहुत अच्छा खासा रूम, और वही मतलब 50 जने इसमें आ सकते हैं रूम में, जो भी आपके फ्रेंड है फैमिली है वही मैं बात करूँ। तो अगर आप रूम क्रिएट करना चाहते हो, मतलब कुछ भी आप करना चाहते हो, बहुत सारे लोग एक साथ में चाहे फैमिली हो गए वो देखना चाहते हो, और वही मैं बात करूँ स्कूल में भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी आता है, तो वही मैं बात करूँ तो इसके जरिए बहुत ईजिली कर सकते हो। तो फाइनली कार ये इंस्टाग्राम में फीचर आ चुका है, अगर आपने क्रिएट रूम करना चाहते हो और मतलब इसका आनंद लेना चाहते हो तो बहुत ईजिली आप ले सकते हो। तो इंस्टाग्राम में आप रूम बना सकते हो। मैं बताऊँ तो नाइन्थ फीचर जो देखने को मिलता है, ये भी आप एक समझ सकते हो बहुत अच्छा फीचर अभी इंस्टाग्राम लेके आया है, रेस्ट्रिक्ट मोड। तो मतलब इसे आप इजीली ऑन कर दोगे तो वही मैं बात तो जो भी स्टोरीज है कमेंट्स में वो करेगा, तो वही मैं बात करूँ तो ये एक तरीका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब ये सब कुछ करेगा, वही मैं बात सिर्फ आपको दिखाई देगा और किसी को नहीं देगा। अगर आप ऑनलाइन होकर भी उसका मैसेज रीड कर देते तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब रीड किया। तो मतलब एक समझ सकते हो ये ब्लॉक टाइप में नहीं देखने मिलता, मतलब आप समझ सकते हो मतलब ये ब्लॉक ही कर रहे हो लेकिन एक अपने हिसाब से कर रहे हो ब्लॉग। तो वही मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छा खासा फीचर आपको देखने मिलता है। जब आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको नीचे लिखा देगा इसका क्या क्या फ़ायदे आपको देखने मिलते हैं। तो इजीली रेस्ट्रिक्ट करके बहुत अच्छा तरह कर सकते हो, मतलब एक ब्लॉग नहीं भी कर रहे हो, मतलब परमानेंट ब्लॉग भी नहीं कर रहे हो, उसे एक शैडो ऑन आप समझ सकते हो वैसे कर रहे हो। तो वही मतलब ये बहुत अच्छा खासा फीचर आपको देखने मिलता है। तो रेस्ट्रिक्ट मोड भी एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए इंस्टाग्राम पे। जो दसवां बात करूँ तो दसवां जो फीचर आपको देखने मिलता है, टेंथ फीचर, वो है इरेजर ब्रश। अगर बात करूँ तो ये कोई नया नहीं है पहले से, लेकिन आप समझ सकते हो हाइडन फीचर आपको देखने मिलता है जिसे ज़्यादा आपको ये पता नहीं। तो ये इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बता दूँ। वही मैं बात तो जो भी आपको कूल इमेजेस बनाना है मतलब इरेजर ब्रश के जरिए, तो इसके ब्रश के जरिए आप बना सकते हो और बहुत कमाल के ये देखने को मिलता है। तो अभी तक आपने इरेजर ब्रश इस्तेमाल नहीं किया तो एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो कलर सिलेक्ट करके वही मैं बात तो इस ब्रश से बहुत ईजिली आप इस्तेमाल कर पाओगे। फीचर की बात करूँ तो जो अच्छा खासा देखने को मिलता है, मतलब इंस्टाग्राम रील में और वही बात तो इंस्टाग्राम में भी आपको देखने को मिलता है, तो वो है ग्रीन स्क्रीन। मतलब ग्रीन स्क्रीन को आपको इस्तेमाल करके आपको पता है फोटो आप जो भी लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, और ये बहुत अच्छा खासा फीचर देखने मिलता है। मतलब इंस्टाग्राम की अगर बात करूँ तो जो भी ग्रीन में आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, और वही मतलब जैसे भी आपको पोस्ट करना है चाहे वीडियो में वही में मतलब जैसे भी आपको करना है वो इजीली आप कर पाओगे। तो अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम ग्रीन फीचर, तो एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। अगले फीचर की बात करूँ तो वो आपको देखने मिलता है ट्वेल्थ, वो इंस्टाग्राम गाइड। तो मतलब आप समझ सकते हो एक नया फीचर देखने मिलता है, जैसे आप ब्लॉग पढ़ते हो गए तो वही में बात करूँ जैसे ये फीचर आपको देखने मिलता है। मतलब इसमें आपको जो भी इंस्टाग्राम वो गाइड करेगा, वही में बात करूँ जिसके बारे में भी गाइड करना है उसके बारे में गाइड करेगा, ठीक है। तो वही मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाके सिंपल सा आप इससे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बताने नहीं हूँ, क्योंकि अगर इंस्टाग्राम गाइड आप तक वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे इजीली आप समझ जाओगे कि क्या देखने को मिलता है इंस्टाग्राम गाइड। इसकी जो बात करूँ तो जो आपको 13 वाला बात करूँ तो 13 वाला, तो वही मतलब ये फीचर देखने को मिलता है इंस्टाग्राम पे, वो है इंस्टाग्राम बडीज़। मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, जब भी कोई भी लाइव रहेगा मतलब जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हो उसे वही मैं बात तो बडीज़ भेज सकते हो, मतलब ये आपके नाम से आएगा, और वही मैं इसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा, सिंपल सा बाय करने का करना पड़ेगा। अगर बाय करना पड़ेगा तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बताने नहीं हूँ, मतलब अपने जो फैंस है उनको सिंपल सा आप जो भी जिसे भी आप पसंद करते हो, मतलब एक समझ सकते हो आप फैंस और वही मतलब दूसरे को पसंद करते हो, कोई भी आपका क्रिएटर उसको भेजना चाहते हो तो वही मैं बात इसे भेज सकते हो, जिसमें अलग ही क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी, तो इसे भी आप शेयर कर सकते हो। मैं बात करूँ तो जो अगला आपको देखने को मिलता है वही मैं बात करूँ न्यूज़ स्टिकर्स। मतलब बहुत सारे अगर आप
स्टिकर्स इस्तेमाल करते हो आपकी इमेजेस में, तो ये फीचर आपके लिए बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो इसमें आपको सेल्फी का हो गया भाई, मतलब क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो बहुत ईजिली पूछ सकते हो, और काउंट डाउन लगाना है आपके जो भी फोटोज़ पे वो भी आप लगा सकते हो, और डोनेशन ले रहे हो वहीं भी बात कर दो कुछ भी, तो डोनेशन का भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आपको नए स्टिकर देखने को मिलते हैं बहुत कमाल के देखने को मिलती है, तो आपको इमेजेस पे वही मतलब तो कहीं पे भी लगाना है तो बहुत इजीली आप लगा सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। जो फीचर आपको देखने को मिलता है वो है रीशेयरिंग, या बोल सकते हो रीपोस्ट। तो वही मैं बता दूँ रीशेयरिंग और रीपोस्ट में अगर बात करूँ तो वही मैं बात करूँ तो इसमें और एक और देखने को मिलता है प्रमोशन। तो वही मैं बताती हूँ तो बहुत इजीली आप किसी का भी मतलब जो रिपोस्ट कर सकते हो, मतलब किसी और का लेके वही मैं बता दूँ शेयर कर सकते हो। किसी आपको मतलब कोई और दूसरा पसंद आया, किसी का भी मान लीजिए रियलमी का फोटो आपको पसंद आएगा तो उसे आप इजीली वही मैं मतलब कर सकते हो। तो इससे ये होता है कि कोई कॉपीराइट आपको नहीं देता, कोई अच्छे मतलब रिपोस्ट बहुत ईजीली कर पा रहे हो। और अगर बात करें तो प्रमोशन में अगर आप किसी को भी आपका फोटो जो भी आप प्रमोशन करना चाहते हो, आपका ग्रोथ करना चाहते हो, तो वही मैं बता, ये भी फीचर आपको देखने को मिलता है जिससे आपका बहुत अच्छे खासे बूस्ट हो जाता है इंस्टाग्राम। तो इसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिजनेस अकाउंंट के बाद उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो वही मैं बता दूँ अगर आप प्रमोशन करके वही मतलब आपका इंस्टाग्राम इंक्रीज करना चाहते हो तो ये भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। 16 फीचर की बात करूँ तो जो बहुत कमाल का आपको देखने को मिलता है अगर आप इस्तेमाल करने की सोच रहे हो, तो वही मैं बात करूँ तो आप जो भी अपने फोटो पोस्ट करते हो तो वहाँ पे कैप्शन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो कैप्शन में आप इजीली लग देते हो, लेकिन आप बोलो तो पैराग्राफ स्पेस में भी आप रख सकते हो। तो इंस्टाग्राम में ये अच्छा खासा देखने को मिलता है, मतलब स्पेस देके आप नीचे की साइड पे भी लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है, कुछ अट्रैक्टिव बनाना है आपको कैप्शन, तो वही मतलब इसके जरिए आप कर सकते हो। तो ये भी अच्छा खासा फीचर आपको देखने को मिलता है जब भी आप पोस्ट करोगे, तो वही मतलब पैराग्राफ स्पेस देके आप जो भी लिखना चाहते हो लाइन में वो बहुत ईजीली लिख पाओगे। नेक्स्ट जो फीचर की बात हो तो जो 17 मिलते हैं ऑल न्यू क्रिएटिव मोड, मतलब इसमें आप जो भी अपनी फीलिंग्स वही में बात हो एक्सप्रेशन जो भी आपको बताना है वही में बात हो इसे क्रिएट करके टेक्स्ट के जरिए वही मतलब ड्रॉ करके जरिए, तो वही में बात हो उसके जरिए आप बता सकते हो। मतलब ये एक नया फीचर लेके आया स्टोरी मोड पे जो आपको देखने को मिलता है, तो जो भी आपको दिखाना है वही में बात हो तो वो एक नया क्रिएटेड करके आप बहुत ईजिली दिखा सकते हो। तो अगर आप सोच रहे थे कुछ अलग क्रिएट करने का, तो ऑल न्यू क्रिएट मतलब आपको देखने को मिलता है इंस्टाग्राम पे, तो इसका इस्तेमाल करिए। और वह मतलब कुछ आपका जो भी एक्सपेंसेस चल रहा है, मतलब जो भी आपके मन में चल रहा है वो डाल दीजिए। फीचर की बात करूँ तो मतलब आप शॉपिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम के जरिए, तो वही मैं बता दूँ शॉपिंग अगर आप शॉपिंग रखना चाहते हो वही मैं बता दूँ जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वही मैं बता दूँ इनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, बहुत कुछ करना है इंस्टाग्राम पे, तो वो लोग ये करते हैं। तो वही मैं बता दूँ इंस्टाग्राम से आप बहुत ईजिली बाय भी कर सकते हो, जो भी प्रोडक्ट खरीदना वो बहुत ईजिली कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मतलब जो भी बेचते आप समझ सकते हो, तो वही मतलब उसके प्रोडक्ट आप खरीदते हो। तो इंस्टाग्राम पे ये भी अच्छा खासा फीचर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो जो 19वां फीचर आपको देखने को मिलता है वो है ट्रैकिंग करिए आपकी एक्टिविटी। मतलब आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे लगे रहते हो किसी भी पोस्ट रिप्ले जो भी पोस्ट करने में कुछ भी करने में आप लगे रहते हो, तो वही मतलब ये काम आपको देखने को मिलेगा और ये अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। मतलब इसमें आप सेट भी कर सकते हो आपको टाइम कितना इंस्टाग्राम करना है इस्तेमाल, वही मतलब उसके बाद रिमाइंडर मिल जाए वो भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद वीक की आपने कितना इंस्टाग्राम किया है, कितना इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया, वो भी आप बहुत ईजीली चेक कर सकते हो। तो एक कुल मिला के बात करो तो ये फीचर बहुत अच्छा है, अगर आप ज़्यादा इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो तो ये फीचर को आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट जो फीचर बात करूँ तो 20 फीचर का बात करूँ तो जो आपको देखने को मिलता है वो है नेम टैग। तो वही मतलब नेम टैग क्या मैं बोल रहा हूँ, क्यूआर कोड, मतलब आपका खुद का नेम टैग आप क्यूआर कोड बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी को भी ढूंढना है वही में बात तो बहुत कुछ करना है आपको नहीं मिल रहा है, तो वही मतलब इस क्यूआर कोड को आप पेज के जो भी करना है वो स्कैन करके वो इसे ढूंढ सकता है इजीली, और वही मतलब स्कैन करके भी आप इसे ढूंढ सकते हो कैमरे से, तो इजीली आपको देखने को मिलता है। मतलब ये क्यूआर कोड का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है इंस्टाग्राम में, तो बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो वही मतलब इस क्यूआर कोड के जरिए आप देख सकते हो। इसकी बात करूँ तो जो 21वां फीचर आपको देखने को मिलता है अगर बात करूँ तो ये बहुत कमाल का फीचर आपको मिलता है, मतलब आपको मल्टीपेड अकाउंट है वही में बात है तो आपने मल्टीपेड अकाउंट बना रखे, ठीक है, तो वही में बात है तो आपको पोस्ट करने में बहुत दिक्कत हो सकती है, अलग अलग आपको अकाउंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप पोस्ट करें जो भी फोटोज इमेज कुछ भी आप कर रहे हो समझ सकते हो वो पोस्ट कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है एक ही इंस्टाग्राम से मैं जो भी करूँ वही हो सारे इंस्टाग्राम पर चले जाए, तो ये भी बिल्कुल हो सकता है। तो ये फीचर भी बहुत कमाल का मेरे को लगा कि आप जब भी पोस्ट करोगे वहाँ पर कैप्शन डालते हो और उसके नीचे आपको पहले फेसबुक ट्विटर का आपको मिलता है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपेड अकाउंट है तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो जहाँ से आप बहुत ईजिली मतलब दूसरे इंस्टाग्राम पे भी जो भी
पोस्ट करना चाहते हो जो आप इंस्टाग्राम कर रहे हो मतलब दूसरे इंस्टाग्राम पे भी चला जाएगा। तो वहीं मतलब जैसे फेसबुक पे चला जाता है जैसे आप कर रहे हो ठीक है इंस्टाग्राम से, वैसे ही वो दूसरी जगह चले जाता है आप ऑन कर दिए तो ऐसे ही ये भी आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ईजीली कर सकते हो और इसमें आप मल्टीपल अकाउंट भी खोल सकते हो इंस्टाग्राम पर ऐड न्यू करके। तो ये तो फीचर आपको पता ही होगा ठीक है। तो ये भी एक नया फीचर था जो मैंने आपको पहला बताया, बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। अगले फीचर की बात करूँ तो जो आपको देखने को मिलता है पाइस वो भी बहुत अच्छा खासा, मतलब अपना जो भी रिड्यूस कर लीजिए आपका शेयर डेटा, मतलब आपका इंस्टाग्राम नेट बहुत ज़्यादा खतरा क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम नेट बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि हाई रेजोल्यूशन में इमेजेस डाउनलोड होती है जो भी आपको देखने को मिलती है इंस्टाग्राम पे। लेकिन आप इसे बंद कर सकते हो सेटिंग में जाके बहुत इजीली, और इसे बंद करने के बाद उसके बाद आपका जो भी डेटा है वो हिसाब से ही खाने वाला है, मतलब ज़्यादा आपका जो भी डेटा है वो नहीं खाने वाला आप ये समझ सकते। तो अगर बात करूँ तो इसे भी ऑन करके आपको रखना चाहिए और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी ले रहे। अगर आपने अभी तक फ़ायदा नहीं लिया तो इसका ज़रूर फ़ायदा लीजिए अगर इंस्टाग्राम का बजट है खत्म हो जाते हैं। ये उनके लिए अच्छा है जो लिमिटेड टाइप में इस्तेमाल करते हैं और लिमिटेड डेटा उनको देखने को मिलता है, तो ये वो ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार अभी तक अपने ट्राई नहीं किया ट्राई करके देखिए। और अगर बात करूँ तो ये वाईफाई पे अलाउ नहीं होगा, अब वाईफाई पे आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देखने को मिलेगी ठीक है। सिर्फ आप एंड्रॉइड है आपके पास फ़ोन और आप इसे ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो। अगले लास्ट की बात करूँ जो 23 वाला आपको देखने को मिलता है फीचर, ये अगर बात करूँ तो बहुत कमाल का फीचर आपको मिलता है, मतलब इंस्टाग्राम में आप स्टोरी में आप खुद ही अपना फिल्टर क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा फीचर्स है ये और बहुत कमाल का फीचर देखूँ, मतलब जैसे AR आपको देखने को मिलता है वैसे ही आप इसे क्रिएट कर सकते हो। अगर बात करूँ तो ये फिल्टर बहुत ईजी देखने को मिलता है अगर आप इस्तेमाल करने की सोच रहे हो तो, ये अभी उपलब्ध नहीं है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा और कमिंग सून ऐसे आ रहा है, लेकिन आपको ये देखने को मिल सकता है शायद 2020 में ही आपको देखने को मिलता है मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करते तो ये फीचर बहुत कमाल का होने वाला है, जो भी इस्तेमाल करना चाहता है वो एकदम रिलेटिव अलग ही टाइप का फिल्टर आपको देखने मिलेगा और बहुत अच्छी तरह आप क्रिएट कर पाओगे फिल्टर। तो ये फीचर आएंगे जब हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन अभी तो ये फीचर आपको देखने को नहीं मिला। ये कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। फाइनली कर अगर आपका इंस्टाग्राम वही में मतलब ना लाइक आ रहे ना शेयर आ रहे ना व्यू आ रहे ना कमेंट आ रहे ना फॉलोवर्स बढ़ रहे मतलब कुछ भी आपका इंस्टाग्राम नहीं हो रहा है तो इन फीचरों का ज़रूर इस्तेमाल करिए जिससे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। तो मैंने आपको यूजफुल फीचर बताए जो अच्छे खासे देखने को मिलते हैं 2020 में। तो वही मतलब इनमें से आपको कौन सा फीचर पसंद आया कौन सा फीचर पसंद आया कमेंट में बताना, और मैंने आपको कुछ करके बताया कुछ करके नहीं बताया आप ये भी समझ सकते हो। और अगर बात करते हो कुछ जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनके आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे तो जहां से आप पढ़ सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट था जो भी था ठीक है। तो मेरा का काम मेरे को बताना, अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, मैंने आपको 23 ऐसे फीचर्स बताए। और अगर बात करो तो इंस्टाग्राम को सबसे पहले आप अपडेट भी मान लीजिए अगर इन फ्यूचर का आप आनंद लेना चाहते हो। तो क्या कर रहे हो, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, वीडियो पसंद नहीं डिसलाइक करिए, और बहुत ज़्यादा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री आपको देखने को मिलता है, और वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पे एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और मेरे को फॉलो करिए सोशल मीडिया पे जैसे कि ट्विटर हो गया इंस्टाग्राम हो गया और टेलीग्राम हो गया, और यूट्यूब पे तो अभी तक आपने सब्सक्राइब भी कर लिया और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ली होगी ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं वीडियो साथ, कीप स्माइल कीप सपोर्ट।